ये बीजेपी वाले हिंदू हिंदू पढ़ा रहे हैं, मुसलमान मुसलमान पढ़ा रहे हैं। जाओ अपने दबे कुचले समाज को आप सूत्र सूत्र पढ़ाने का काम करो। इस बिहार प्रदेश में अब ये जो नक्काज लोग हैं जिन्होंने बिहार की जनता का शोषण किया है, गुलाम को गुलामी का एहसास करवा दो तो वो अपनी गुलामी की जंजीरों को खुद तोड़ लेगा। माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी ने अपनी किताबों में साहू जी महाराज की जयंती 26 जुलाई लिखा है। अपने राज्य कोल्हापुर में 50% पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया था। 24 कैरेट की अगर कोई पार्टी है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानने वाली, बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाली, तो वो मात्र बहुजन समाज पार्टी है, अन्य कोई पार्टी नहीं। जब किसी पिछड़े अति पिछड़े और खासकर किसी दलित की हत्या न होती हो, किसी बहन बेटी की इज्जत न लूटी जाती हो, कहीं पर संहार न होता हो, ऐसे 26 जुलाई 1902 ईस्वी को साहू जी महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में 50% पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया था। तो आज का दिन या आरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभी हमारे साथी प्रदेश के प्रभारी सुरेश साहब जी कह रहे थे कि 26 जून भी मनाया जाता है। खैर, तमाम लोगों ने किताबें लिखी, तमाम लोगों ने शोध किया और खासकर महाराष्ट्र प्रांत के लोग 26 जून को साहू जी महाराज की जयंती मनाते हैं, लेकिन 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज ने आरक्षण लागू किया था। माननीय कांशीराम साहब, माननीय बहन जी ने अपनी किताबों में साहू जी महाराज की जयंती 26 जुलाई लिखा है। खैर, शोध होता रहता है, रिसर्च करते रहते हैं लोग, सही डेट निकालते रहते हैं लोग, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 26 जुलाई अगर हमें दिया तो हम लोग आज 26 जुलाई को साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं। अगर 26 जून भी हो तो आप लोग 26 जून मनाएं और 26 जुलाई भी मनाएं, ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। सम्मानित साथियों, साहू जी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत कम आयु जी पाए, मात्र 48 साल की उम्र तक जिए और दुनिया छोड़कर चले। इतनी कम आयु में आप जितने सारे बैठे हैं, मंच पर जितने सारे लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं हम में से अधिकांश लोग ये 48 साल की उम्र पार कर चुके होंगे। साथियों, इतनी कम उम्र में एक हमारे राजा ने, पूर्वी राजा ने इतना बड़ा काम किया कि आज पूरे देश में अगर किसी राजा का नाम लिया जाता है पूरे बहुजन समाज में, तो छत्रपति साहू जी महाराज का नाम लिया जाता है। इतना बड़ा काम किया। सम्मानित साथियों, माननीय सांसद जी की बात को आप लोगों को सुनना है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखकर मैं समाप्त करूंगा। साहू जी महाराज, अभी अनिल भाई ने मीडिया से बात कर रहे थे तो एक बात वो बोल रहे थे हम सूत्रों के लिए। साथियों, 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, माननीय बहन जी ने लखनऊ बुला करके हम लोगों का 4-4.5 घंटे की क्लास लिया था। अभी 2024 के चुनाव के बाद 23 जून को भी माननीय बहन जी ने लगभग 3 घंटे का कैडर क्लास लिया है। माननीय बहन जी, माननीय कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी है। अभी सम्बोधित पटेल जी वो बात कह रहे थे कि 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट की अगर कोई पार्टी है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानने वाली, बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाली, तो वो मात्र बहुजन समाज पार्टी है, अन्य कोई पार्टी नहीं। सम्मानित साथियों, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, अर्थात इस भारत देश में 100 में से 89-90% लोग होते हैं, उन लोगों को विचारधारा देने का काम, उनको थॉट देने का काम, उनके लिए किताबें लिखवाने का काम, उनके लिए शोध करने का काम, इस बहुजन समाज का इतिहास बताने का काम अगर इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है, माननीय कांशीराम साहब ने किया है, माननीय बहन जी ने किया है। माननीय कांशीराम साहब ने अपने टाइगर कैंप में, अपने क्लास में, माननीय बहन जी ने अपने क्लास में जिन बातों को सिखाया, आज भले लोग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो, ऐसे बिहार प्रदेश के वासी आप लोग सामाजिक रूप से अवेयर हैं, तभी साहू जी महाराज की
कोई दिन नहीं जाता है जब किसी पिछड़े अति पिछड़े और खासकर किसी दलित की हत्या न होती हो, किसी बहन बेटी की इज्जत न लूटी जाती हो, कहीं पर संहार न होता हो। इतिहास में झांक के देखेंगे बिहार के, तो इसी बिहार प्रदेश में बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं। ये कैसा पिछड़ों का प्रदेश है, ये कैसी पिछड़ों की सरकार है जो इन बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करती है, ऐसी हत्या, ऐसी लूट, ऐसी ऐसी मारकाट, ऐसा नरसंहार, ऐसी छीना झपटी इस बिहार प्रदेश में सरकारें करती है। तो अगर इस बिहार प्रदेश में आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती अगर बिहार प्रदेश के हमारे पिछड़े भाई लोग मना रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बिहार प्रदेश में अब ये जो नक्काज लोग हैं जिन्होंने बिहार की जनता का शोषण किया है, इनका हमारे बिहार के पिछड़े समाज के भाई, पटेल समाज के भाई, कुशवाहा समाज के भाई मिलकर इनका इंतजाम कर रहे हैं। अगर आज साहू जी महाराज की जयंती आप लोग मना रहे हैं, सम्मानित साथियों, सूत्र होने का एहसास करवाने के लिए एक बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करवा दो तो वो अपनी गुलामी की जंजीरों को खुद तोड़ लेगा। मैंने बहन जी की बात कही कि 2009 में 2014 में जो कैदा दिया था बहन जी ने, तो बहन जी ने एक बात कही थी कि जाओ और खासकर ओबीसी समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को माननीय बहन जी ने कहा था कि जाओ, ये बीजेपी वाले हिंदू हिंदू पढ़ा रहे हैं, ये बीजेपी वाले हिंदू हिंदू पढ़ा रहे हैं, मुसलमान मुसलमान पढ़ा रहे हैं, जाओ अपने दबे कुचले समाज को आप शूद्र शूद्र पढ़ाने का काम करो, शूद्र होने का एहसास करवाओ। सम्मानित साथियों, हम लोग साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं, इसलिए मैं बात को आपके संज्ञान में लेना चाहूंगा कि वो तो राजा थे, रोज वो नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन कोई उनके एक मित्र आ गए जो बड़े विद्वान थे, वो साथ में स्नान करने के लिए गए। राजा जब स्नान करने जाता था, ऐसी परंपरा थी कोल्हापुर की रियासत में कि कोई ब्राह्मण समाज के जो पुरोहित होते थे वो मंत्रोच्चार करते थे। वो मंत्रोच्चार उनके विद्वान मित्र ने सुना, संस्कृत को सुना और समझ गए। उन्होंने राजा को बताया कि राजन, ये ब्राह्मण जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं ये वेदोक्त तो होना चाहिए, ये दूसरे लोग जब स्नान करने जाते हैं तो वेदों में उक्त मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जब स्नान कर रहे हैं तो ये पुराणों में युक्त मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, पुराणोक्त मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इसके कारण की तह में जब राजा ने उन पुरोहित से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पुरोहित ने बताया राजा को, राजन आप हमारे राजा तो हैं, आप राजा तो हैं, लेकिन आप शूद्र हैं। शूद्र होने का एहसास बाय मिस्टेक अपने पाखंड की वजह से ब्राह्मण समाज के एक पुरोहित ने हमारे राजा छत्रपति साहू जी महाराज को करवा दिया। साहू जी महाराज को जब शूद्र होने का एहसास हुआ तो उनका दिमाग खुल गया। उन्होंने कहा, अरे मैं अपने राज्य का राजा और मेरे साथ शूद्र समझ करके ये बर्ताव किया जा रहा है। साहू जी महाराज ने अपना मंत्रालय बुलाया, सारे दस्तावेज मंगवाए, और जब सारा दस्तावेज खंगाल करके देखा तो एक ही बिरादरी के लोग 80% पदों पर बैठे हुए थे, बाकी पूरा पिछड़ा समाज, पूरा दलित समाज, पूरा आदिवासी समाज वो शासन सत्ता से दूर था, अधिकारी कर्मचारी के पद से दूर था, वो कहीं शासन सत्ता में भागीदारी नहीं थी। साहू जी महाराज को चोट लगी। साहू जी महाराज ने अपने मंत्रियों को समझाने के लिए, हमारी एक महिला साथी मानकी देवी एक कहानी सुना रही थी, तमाम कैडर देने वाले लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं बातों को समझाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने जो प्रमुख रूप से कहानी सुनी है, जो हमें अपने से पुराने नेताओं के द्वारा सुनने को मिली है, वो कहानी ये है कि राजा ने सोचा, साहू जी महाराज ने, कि अगर सीधे सीधे मैं समझाऊंगा इस राजपाट में सबको भागीदारी देना चाहिए, तो ये मेरे मंत्री जो 90% 80% एक ही जाति के लोग हैं, ये मेरी बात को दरकिनार कर देंगे और मेरे दरबार में विद्रोह खड़ा हो जाएगा, ये मेरा विरोध कर देंगे। राजा ने तकनीकी निकाली, राजा ने युक्ति सोची, राजा ने कहा, इनमें से कुछ लोगों को विचारधारा के नाम पर, समझाने के नाम पर अपने पक्ष में करना होगा।
उनका विद्रोह न हो सके, राजा अपने घोड़े के अस्तबल में लेकर के गए उन सारे मंत्रियों को जो उनके सिपहसालार थे, और वहां जाकर के उन्होंने एक क्विंटल 100 किलो की चने की बोरी खोल दिया और 100 घोड़े खोल दिए, अस्तबल के 100 घोड़े खोल दिए। घोड़े जब चने की बोरी के जो खुला हुआ चना था उसको खाने लगे तो राजा ने अपने मंत्री लोगों से कहा कि आप लोग देखिए क्या हो रहा है। उन मंत्री लोगों ने कहा, राजन क्या हो रहा है, क्या हमें इतना समझ में नहीं आएगा, घोड़े चने खा रहे हैं। राजा ने कहा, नहीं, जो मैं दिखाना चाह रहा था आप देख नहीं पाए हैं, गौर से जोर देखिए, 10 घोड़े चने खा रहे हैं और 90 घोड़े लाइन में पीछे लगे हैं, वो चने तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये 10 घोड़े चने भी खा रहे हैं और ये 90 को लात भी मार रहे हैं। मेरे इस अस्तबल में अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये 100 किलो चने की बोरी मैं रोज बीच में खोल दूं तो ये 10 घोड़े चने खा खा करके मोटे हो जाएंगे, इनको चर्बी चढ़ जाएगी और फिर ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे, और वो 90 जो लाइन में लगे हैं वो लात खा खा के वो बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, वो भी मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, मेरा तो अस्तबल ही बंद हो जाएगा। राजा की बात मंत्रियों की समझ में आने लगी। राजा ने कहा, ठीक मेरे राजपाट में ऐसा ही हो रहा है, थोड़े से मुट्ठी भर लोग सारे चने खा रहे हैं और बाकी 90% जो मेरा पिछड़ा समाज है, जो मेरा दलित समाज है, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है। लोग राजा के पक्ष में तैयार हुए और उस राजा ने ये घटना 1901 ईस्वी की है, एक साल के अंतराल पर 26 जुलाई 1902 ईस्वी को, इनको राजर्षि कहा जाता है, राज ऋषि कहा जाता है, एक ऐसा कुर्मी राजा भारत देश का जिसको राजा का ऋषि कहा जाता है। इस राजर्षि इन राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण भारत देश में अपने अपने कोल्हापुर में दिया। सम्मानित साथियों, जितनी रियासतें थी, मैसूर की रियासत और बड़ौदा की रियासत, तमाम रियासतों ने छत्रपति साहू जी महाराज की नकल किया और उन लोगों ने भी अपने अपने रियासत में पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। सम्मानित साथियों, मैंने आपका समय ले लिया है, लेकिन मेरे मन में जज्बात थी, मैंने सोचा जब साहू जी की जयंती आप मना रहे हैं तो मुझे ये कहानी बता देना चाहिए। हमारे साथी कहानी को कई कई ढंग से बताते रहते हैं, मैं सांसद जी से अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए, क्षमा मांगते हुए कि मैंने समय ले लिया है, मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। आप सब लोगों का ध्यान से आपने मेरी बात को सुना है, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गोविंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।